सालिकर जी, जो एक्चुअल वास्तव में हीट है वहां पर बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई है। मुंबई में तो हम ये यहाँ पर फील भी कर पा रहे हैं और कई हिस्सों में, राज्यों में अभी भी यहाँ पर टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा गर्म है। आने वाले महीने में, मई के महीने में फॉर दैट मैटर, अब किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं? नमस्कार। मौसम विभाग ने जो कल पूरे मई महीने का पूर्वानुमान दिया है कि किस तरह से आने वाले समय में मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर और बरसात किस तरह से रहेगी, इसके बारे में पूर्वानुमान दिया है। तो हमने इसमें कहा है कि पूरे देश में अगर हम बात करते हैं तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, डे टाइम टेम्परेचर जो है, वो पूरे वेस्ट कोस्ट में, उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यूपी, बिहार और उसके बाद ओडिशा, वेस्ट बंगाल और कुछ नॉर्थ ईस्ट के हिस्से और दक्षिण भाग जैसे केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इन सभी जगह पर आप देखेंगे कि तकरीबन औसत से ज्यादा टेम्परेचर टी मैक्सिमम रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आप देखते हैं कि कहाँ पे कम रहेगा औसत से, तो कुछ हिस्से जैसे विदर्भ के कुछ हिस्से है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग है और उत्तरी जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के पूर्वी इलाके, इस तरह से कुछ जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि तापमान जो है औसत से कम रहने की संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर पूरे देश में जो है टेम्परेचर जो है वो ऑन हायर साइड रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। सालिकर जी, क्योंकि मैं मुंबई में बैठी हूँ तो यहाँ पर भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज दो हीट वेव एडवाइजरीज हमने पिछले महीने में आते हुए देखी हैं। मई का महीना यहाँ के लिए कैसा रह सकता है? खास करके मुंबई जो है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर मई महीने में ज़्यादा उसमें राइज होने की संभावना कम है, लेकिन जो पश्चिमी अरबी समुद्र से जो हवाएं आती है वो बहुत सारा मॉइस्चर इस वक्त मई महीने के दौरान ले आती है। तो मॉइस्चर जिसको हम ह्यूमिडिटी कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है तकरीबन 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कुल मिलाकर जो है मुंबई का जो पूरा तापमान और ह्यूमिडिटी को जो है मिलाकर गर्म देखेंगे तो डिस्कम्फर्ट इंटेक जो है हमेशा ज़्यादा रहता है। हम हमेशा इसको कहते हैं कि हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर रहने की ज्यादा संभावना है। हालांकि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जैसे हम लोग देख रहे हैं कुछ हिस्से में, जैसे पालघर है, मीरा रोड है, बोरीवली है, पनवेल है, थाने है, यहाँ पर जो है तापमान पिछले दो तीन दिनों से 40 के ऊपर जाता हुआ भी नजर आ रहा है। हमको इस बातों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। जी मिस्टर सालिकर, ऐसा यूजली माना जाता है कि अप्रैल हीट जो है वो काफ़ी हद तक गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण के एरियाज देख लेते हैं, और मई हीट है वो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया देखता है। तो क्या मई का महीना इन ऊपर की जो स्टेट्स हैं इनके लिए ज़्यादा चिंताजनक रह सकता है? हालांकि जो टेम्परेचर मैक्सिमम है वो जैसे मैंने बताया कि पूर्व और पश्चिम तटवर्तीय प्रदेश में रहेगा, नॉर्थ वेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर हम हीट वेव की अगर बात करते हैं तो हीट वेव जो है वो आपने सही कहा कि वो एमपी के पश्चिमी इलाका, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, गुजरात का पश्चिमी इलाका और कुछ गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, कुछ ओडिशा के हिस्से और उसके बाद महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के भाग में रह सकता है और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और तेलंगाना के कुछ हिस्से में और कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपको हीट वेव की संभावना मई महीने में दिखने की बहुत ज्यादा संभावना, एनोमली जो है वो पॉजिटिव दिखा रही है। तो ये सब देखना जरूरी है। जी मिस्टर सालिकर, तो कितने दिन हीट वेव हम देख सकते हैं मई के महीने में? एक तो वो पार्ट ए है और दूसरा ये कि जिस तरह की बारिशें यहाँ पर भी फोरकास्ट की जा रही हैं, उसका कितना इम्पैक्ट और कितना इंटेंसिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही सवाल यहाँ पे मेरे सामने रखा है। जो क्लाइमेटोलॉजी है उसको अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो एवरेज हीट वेव डेज है वो मई में है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मार्च में जो है वो 23 दिन है ऑल ओवर इंडिया के लिए, अप्रैल में 71 डेज है और मई में जो है वो 92 डेज जो है वो एवरेज रेनफॉल, एवरेज हीट वेव के डेज है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो मई में हमको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान फिर एक बार देने की जरूरत है। आपने ये भी पूछा कि किस तरह से बरसात रहेगी, तो बरसात के लिए हमने ये कहा है कि फिर एक बार हम सेंट्रल इंडिया में बरसात को अच्छी होते हुए देखने की संभावना है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन है, राजस्थान और विदर्भ
कुछ कुछ एमपी के भाग, कुछ तेलंगाना, कुछ नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और केरल के तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हम देख रहे हैं कि बरसात जो है वो अबो नॉर्मल रहने की, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम इलाके जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बरसात जो है वो नॉर्मल से अधिक रहने की संभावना जो है वो मई में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से बढ़ा हुआ तापमान, हीटवेव और फिर कुछ जगह पे अबो नॉर्मल रेनफॉल, तो इस तरह का एक मिक्स वेदर रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। मिस्टर सालिकर, आपको जाने दें उससे पहले एक बहुत ही अगर ले लैंग्वेज में आप समझा सकें कि 70 दिन अप्रैल में, 92 डेज मई में हीट वेव का क्या मतलब है? ये जो एवरेज नंबर ऑफ हीट वेव डेज हम जो क्लाइमेटोलॉजी हम कहते हैं कि पिछले 30 सालों में किस तरह से जो है ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे दिन रहे जहाँ पे हीट वेव रहे, okay. तो एक महीने की जो है वो हमारे पास आंकड़े यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो है ये पूर्वानुमान नहीं है, ये क्लाइमेटोलॉजी है। Okay. तो ये जरूरी नहीं कि इस महीने में भी, मई महीने में भी इतने आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी जो है बहुत बहुत ज्यादा हद तक जो है जो प्लानिंग प्लानिंग करते हैं, जो प्लानिंग वाले लोग रहते हैं उनको जो है वो इसकी जानकारी जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पूर्वानुमान हम दे रहे हैं आने वाले 5 दिनों के लिए, इसके ऊपर हम सबको जो है पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। पॉइंट टेकन मिस्टर सालिकर, एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और डिटेल में हमें वो समझाने के लिए भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो अजय हमारे साथ हैं ही, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए जुड़ेंगे उनके साथ।